किसान मोर्चा, किसान एकता जिंदाबाद, जेपी नाडा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नमस्कार, टाइम फैक्ट्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा भारद्वाज और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। देश भर में भाजपा की ओर से ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से इसकी शुरुआत की। वहीं मैं आपको बता दूं कि बक्सर में जिले के जिगना गांव से जिले के सम्मानित समाजसेवी किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष रविंद्र मिश्रा उर्फ कोरैल मिश्रा के अध्यक्षता में गौ पूजन के साथ की गई। यह कार्यक्रम एक महीने तक चलेगा। इस कार्यक्रम में मेन उद्देश्य गांव गांव तक अपनी योजनाओं को बताना है। वहीं किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष कोरैल मिश्रा ने कहा कि केंद्र के सभी योजनाओं से किसानों को अवगत कराना है। किसान मोर्चा के सभी पदाधिकारियों ने अपनी अपनी राय रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा प्रचार नहीं है, सिर्फ किसान के लिए मोर्चा खुल रहा है। किसान के सुख दुख में हम सभी आदमी शामिल हैं। विशेष तो आप लोग मुझे जिसको कुछ कहना होगा तो कह सकते हैं। अभी तो ऑनलाइन हो गया है, कोई भी तकलीफ है आप ऑनलाइन करेंगे तो कहीं भी पहुंच जाएगा। इसमें कोई किसी का सिफारिश का भी जरूरत नहीं है। यही सब आजादी ली गई तो कहा गया कि नहीं ली आजादी, बिना खर्च बिना उधार साबरमती के संत ने कर दिया कमाल। इन भी योजनाएं चल रही है, किसान किसान पेंशन योजना, किसान वृद्धि योजना, सारी योजनाएं जो चल रही है हमारी पार्टी आपको दे रही है। गाय चराने संग गांव गांव में गरीबों को फ्री दिला है। आप मित्रों गिनाए से हमारे यहाँ बहुत बुजुर्ग हर जाति के लोग बैठे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी का जो स्कीम है हर व्यक्ति तक कोई ना कोई पहुंचा, यदि एक नहीं है किसी को दो पहुंचाए किसी के पास किसी को। ये फिर खाते दे दो तो ये तो महामारी से बच जाओगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मोदी जी का। साथियों इस अवसर पर हम लोग संकल्प करते जाए भूपेन्द्र चौधरी जी के नेतृत्व में हमारा का संगठन चल रहा है, वो भी हम मौजूद है। उत्तर प्रदेश के संगठन की गतिविधि को चलाने वाले अरविंद धर्मपाल जी भी यहाँ उपस्थित है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी यहाँ उपस्थित है। और किसानों की इस कर्म भूमि, किसानों की इस ऊर्जावान भूमि में हजारों हजार किसान भी यहाँ उपस्थित है। तो हम संकल्प करके जाए कि देश में जो नारा लगाए अब की बार रेत में जो MRP रेट दिया गया उसके तहत लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है, क्या कमियां आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, उस परेशानी पर हम लोग अमल करेंगे और उसमें सहयोग करेंगे। इसी के लिए एक महीना हम लोग का जो भी केंद्र से योजनाएं चली है उस सारी योजनाओं को बताना है, उस सारी योजनाओं पर अमल करना है। आप लोगों को कोई भी कठिनाई ना हो, कार्यक्रम रखा गया था इसमें हमारे जिला से सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे, अपने समय से सब लोग आए थे और आकर कार्यक्रम चालू किए, सब किसान को बुलाए। मैं हजारों की संख्या में किसान को जुटाया गया था, आकर के किसान का क्या समस्या है वो समस्या के बारे में सुना गया, किसान को क्या हमारा सरकार से बेनिफिट है वो बताया गया। बाकी करीब करीब किसान तो जानते ही हैं क्या हमको फायदा है क्या नुकसान है, फिर भी हम इस चीज़ को जांच कर रहे हैं। इसके पहले गौ पूजन किए थे, गौ को भी देखना जरूरी है, जैसे कि मेन लक्ष्य वो भी है गौ माता का, गौ का भी पूजन किए, हल का पूजा किया और किसान का। ग्राम परिक्रमा यात्रा का मेन उद्देश्य क्या है? ग्राम परिक्रमा का मेन उद्देश्य है कि हमारे किसान भाइयों को हमारे गवर्नमेंट से फायदा हो और उनकी जो तकलीफ हो वो हमको मतलब हमारे तक पहुंचे। जो सरकार के तरफ से जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं किसानों के हित में, क्या वो जो है धरातल पर उतर रहा है? धरातल पर उतर नहीं रहा है, उतर गया है, वो धरातल पर उतर गया है।
थोड़ा बहुत 2-4-10% इधर उधर है तो भी हम लोग का मेकअप कर रहे हैं। मोदी जी ने क्या किया कि चलो गांव की ओर नारा दिया कि आप शहर में मत जाइए, गांव की तरफ चलिए, सारी व्यवस्था आपको गांव में दी जाएगी। आपने देखा होगा कि किसानों की समस्या को दूर करने के लिए कृषि फीडर इलेक्ट्रिक जो था, पानी की जो समस्या थी उसके लिए अलग से कृषि फीडर का स्थापना किया गया, जिससे हर किसानों के खेत में पानी पहुंचाया जाए और आधुनिक तकनीक से खेती किया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ किसानों को मिले। और उद्योग का दर्जा देने के लिए सरकार प्रयत्नशील है। आने वाले समय आप देखिएगा कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। ट्रबुल होगा तो सुधार करेंगे, ठीक है, चलेगा।